जहां एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से मोबाइल मार्केट पर बुरा असर पड़ रहा है और मोबाइल्स की अवेलेबिलिटी आगे साल में जो है आने वाले वक्त में कम रहने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग है कि मोबाइल्स में मोबाइल्स लॉन्च किए जा रहा है। अभी 2 ही महीने हुए इस साल को शुरू हुए पर आप देखेंगे कि कम से कम 6 से 7 प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं सैमसंग के, और उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है, एक स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A71, और इसी की हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। So here's the box with me. Let's open the box और फिर देखते हैं कि इस फोन में आपके लिए इस बॉक्स में क्या क्या मौजूद है। So ये पाउच सबसे पहले हमें मिलता है इस फोन में। इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको मिलेगा एक प्लास्टिक केस, इसके अलावा ये जो है यूजर मैनुअल्स हैं, क्विक स्टार्ट गाइड है और वारंटी कार्ड है। ये आपको सिम कार्ड इजेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है। फोन ऑलमोस्ट काफी बेहतर लग रहा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखते हैं कि बॉक्स में और क्या मौजूद है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये फोन्स, और ये सैमसंग की ईयरफोन्स है। सैमसंग अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स में AKG की ईयरफोन्स देता है, बट यहाँ पर आपको जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स है और जो बजट और अफोर्डेबल सेगमेंट स्मार्टफोन है सैमसंग में, उसमें सैमसंग की ईयरफोन्स मिलती है। अच्छी क्वालिटी की ईयरफोन्स है और अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आपको इनसे मिल जाता है। यहाँ पर आपको USB टाइप सी केबल मिल जाता है। ये मिलता है आपको सैमसंग का चार्जर, और ये जो चार्जर है ये आई थिंक 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये बैक पैनल जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है, बट अगैन यहाँ पर ग्लास यूज़ नहीं किया सैमसंग ने, गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। बैक में आई थिंक प्लास्टिक बॉडी मिल रही है आपको, और ये जो है आपको ऑलमोस्ट 3D डिज़ाइन जो आपने सैमसंग की A51 और A50 में देखा होगा वही डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा इसके ऊपर और जो है वो स्ट्राइप सी बनी हुई है डिज़ाइन में, काफ़ी बेहतरीन जो है बैक पैनल से ये फ़ोन हमें लग रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें इस फ़ोन के इन हैंड फील की तो वो भी काफ़ी बेहतरीन आ रही है। आप इन हैंड फील इसकी काफ़ी बेहतरीन है। ये जो फ़ोन है थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। राइट हैंड साइड पर यहाँ पर पावर बटन दिया गया है, और जो ये जो है वॉल्यूम रॉकर यहाँ पर है, साथ ही आपको ऊपर की साइड जो है नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर सिम कार्ड ट्रे दी गई है, और इसके अलावा डाउन एट द बॉटम जो है आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जा रहा है। इसके अलावा USB टाइप सी पोर्ट है ये, और स्पीकर ग्रिल दी गई है। तो अगैन ओवरऑल अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन ये ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे फ़ोन लग रहा है। सो हेयर इट इज़, मैंने फ़ोन को सेटअप कर लिया है, और फ़ोन की डिस्प्ले देखने में बड़ी प्यारी लग रही है। सैमसंग की डिस्प्ले है, और यहाँ पर आपको मिलती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और इसको ये काफ़ी ब्राइट है। इसके व्यूइंग एंगल्स जो है वो भी काफ़ी एक्यूरेट है। सनलाइट लेजिबिलिटी भी सैमसंग के हर स्मार्टफोन की एक पार होती है। इसमें आपको यहाँ पर पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सैमसंग इसको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले का नाम देता है, क्योंकि ये जो सेल्फी कैमरा है इसका जो साइज़ है, शेप है, वो ओ की तरह है, तो सैमसंग इसको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कहता है। डिस्प्ले के बाद बात कर लेते हैं A71 के कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक रेक्टेंगुलर शेप में दिया गया है एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि एक पावरफुल कैमरा सेटअप आई वुड से, क्योंकि इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर सैमसंग ने दिया है। इसका जो दूसरा कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। तो यहाँ पर आप जो है एक अच्छा फोटोग्राफी एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फोन से। इसका जो तीसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, यानी कि आप क्लोज जाकर के सब्जेक्ट के फोटो खींच सकते हैं, आपको एक अच्छे फोटोज वहां पर क्लोज जाकर सब्जेक्ट के मिल सकते हैं। और 5 मेगापिक्सल का इसके अलावा यहां पर डेप्थ कैमरा दिया है। इसके अलावा अगर सैमसंग गैलेक्सी A71 के हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। एक अच्छा कैमरा सेटअप है यहाँ पर, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ओवरऑल, फिर आप लाइव फोकस के थ्रू आप अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से एक अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बट ओवरऑल जो उसकी कैमरा परफॉर्मेंस होगी वो मैं आपको इस फोन के फुल ब्लोन रिव्यू में ही बताऊंगा। कैमरे के बाद बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A71 के प्रोसेसर के बारे में, और यहां पर भी आपको एक अच्छी खासी डील मिल रही है। इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट, तो आप यहां पर जो है एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फोन से। एक ओवरऑल लैग फ्री और सुपीरियर एक्सपीरियंस ये फोन आपको देगा। मल्टीटास्किंग में आई डोंट थिंक कि कोई इशू आने वाला है। स्नैपड्रैगन 730 एक अच्छा मिड रेंज चिपसेट है, और काफी बेहतर आपको यहां परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसके अलावा इस फोन की जो रैम है, इस फोन में 8 GB रैम सैमसंग ने दी है, और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसको आप 512 GB तक बढ़ा भी सकते हैं।
इसके अंदर हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट नहीं है, इसके अंदर जो है आप माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है, दो सिम कार्ड आप चला सकते हैं और साथ में एक माइक्रो एसडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। तो ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी अच्छा जो है प्रोसेसर आपको मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है, कैमरा सेटअप भी डिसेंट है, और अगर बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको वो भी काफ़ी बेहतर मिल रही है। सैमसंग ने यहाँ पर दी है 4500 mAh की बड़ी बैटरी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आसानी से एक दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 29,999 रुपये इस फ़ोन की कीमत है, तो ये फ़ोन कम्पीट करेगा रियलमी के X2 Pro के साथ। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन की अगर हम बात करें तो फ़ोन एक अच्छा पैकेज लग रहा है। आई वुड से कि लास्ट ईयर लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी A70s के मुकाबले ये काफ़ी बेहतर फ़ोन मुझे लग रहा है। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A71 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। आपको ये फ़ोन कैसा लगा और इस फ़ोन का कौन सा फीचर आपको बेहतर लगा, या फिर आप इसके फुल मून रिव्यू में मुझसे किस फीचर के बारे में और जानना चाहेंगे, ये मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ABP News आपको रखे आगे।